रोहिंग्या के भारत में घुसपैठ बढ़ती जा रही है और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी इस पर मुहर लगा दी है। उनका कहना है कि बांग्लादेश के रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए असम का इस्तेमाल गलियारे के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच से पता चला है कि त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। शर्मा ने बोंगाई गांव में पुलिस अधीरक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों के दौरान बांग्लादेश से असम में घुसपैठ लगभग 9 के बराबर थी, लेकिन करीमगंज जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाल में कुछ गतिविधियां देखी गई हैं। अब रोहिंग्याओं द्वारा दिल्ली या कश्मीर जाने के लिए असम को गलियारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जांच से पता चला है कि त्रिपुरा के कुछ दलाल इस घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस महानिदेशक ने इसे रोकने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं, जबकि करीमगंज के पुलिस अधीक्षक को घुसपैठ रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। शर्मा ने कहा कि बराक घाटी के 3 जिलों के अधिकारियों को सक्रिय रहना चाहिए और हमें केवल घुसपैठियों को ही निर्वासित नहीं करना चाहिए, बल्कि त्रिपुरा जाना चाहिए, दलालों को गिरफ्तार करना चाहिए और इस गिरोह की रीढ़ तोड़नी चाहिए। बराक घाटी क्षेत्र के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी हैं। उन्होंने कहा कि असम के बाहर रोहिंग्या घुसपैठियों, तस्करों और विद्रोहियों को दूसरे राज्यों में जाने के लिए राज्य को गलियारे के रूप में इस्तेमाल करने के से रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। बराक घाटी से लेकर असम की पश्चिमी सीमा तक सभी रेलवे स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ाई जानी चाहिए और रोहिंग्याओं को रोका जा सके और उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सके।